हो रही है, संध्या करनो चले दो भाई। धर्मात्मा राम पौराणिक कथाओं को कहते कहते जैसे ही हमारी दृष्टि भगवान भास्कर पर पड़ी तो हमने देखा कि भगवान भास्कर मंद मंद गति से उदयाचल से अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। लाल जहां पर दो वस्तुएं आपस में मिला करती है उसे सभी ने संधि नाम से जाना है, लेकिन जहां पर दिन और रात्रि का ये सुंदर मिलन होता है मनीषियों ने उसे संध्या नाम दिया है। ऐसे पावन संध्या के समय अपने आराध्य का चिंतन वंदन अवश्य ही करना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्म पुष्ट करने के लिए हमें भजन की भी अति आवश्यकता होती है। और यही सत्य भी है, क्योंकि संसार से एक न एक दिन प्रत्येक प्राणी को जाना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जग है जिसका जन्म है उसे एक न एक दिन गमन करना होता है, जाना होता है। तो वहां पर यदि हमारे द्वारा ये भजन पूजन अर्चन वंदन किया गया है, हमारा आत्मा पुष्ट है, तो निश्चित है कि हमें परम धाम की प्राप्ति होगी, 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यद्यपि संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है, 3 प्रकार की संध्या उत्तमा सुरसहिता मध्यमा लुप्त भास्करा अधमा तारकोपेता स्वयं संध्या त्रिधा स्मृता, प्रत्येक जनमानस पूजन करने के लिए अपने इष्ट का आराधन करने के लिए बैठ तो जाता है लाल, लेकिन समय का सही बोध ना होने के कारण केवल श्रम फल किए पढ़े और उपाय, केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, फल की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती। संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है, उत्तमा सुर सहिता उत्तम कोट की संध्या, वह संध्या है जिस समय ये जनमानस अपने आराध्य का चिंतन अर्चन वंदन करता है, जब जब भगवान भास्कर अस्त ना हुए हो तब, तो वो संध्या उत्तम कोट की कहलाती है, मध्यमा लुप्त भास्करा। और यही जनमानस जब भगवान भास्कर अस्त हो जाते हैं उसके बाद यदि अपने इष्ट का चिंतन वंदन आराधन करते हैं तो उसे उत्तम कोट की संध्या का फल नहीं मिलता, उसे मध्यम कोट की ही संध्या का फल मिलता है, अथवा तारकोपेता। और आकाश मंडल में लाल
जब पूर्ण रूप से तारागण आच्छादित तो हो जाते हैं, जब कोई संध्योपासना करता है तो ना ही उसे उत्तम कोट ना ही उसे मध्यम कोट अर्थात उसे तो सबसे निकृष्ट कोट की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। ये पावन समय है क्योंकि अभी भगवान भास्कर अस्त नहीं हुए, इसलिए तुमहू करिए हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। जो पावन युग चली आई है ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भव सागर से यदि तरना है तो लाल हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ ये पावन समय है, पावन समय का लाभ उठाते हुए संध्योपासना करें। मैं यहीं से बैठ करके संध्या वंदन करूंगा। जाओ मेरे लाल जाओ। श्री गुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज दोनों भैया संध्या वंदन हेतु आए। संध्या वंदन हम आर्यों की सनातन परंपरा है, संध्या के माध्यम से हम अपने इष्ट की उपासना करते हैं और उसे अभीष्ट फल की प्राप्त करते हैं। भैया लक्ष्मण, संध्या की तीन प्रकार बताए गए हैं, उत्तमो सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्कर कनिष्ठा तारको पेता स्वयं संध्या त्रिधास्मिता। भैया लक्ष्मण, उत्तम प्रकार की संध्या बाहे जब आकाश मंडल में सूर्य काल प्रतिबिंब दिखाई देने के समय की जाती है। भैया लक्ष्मण, वह उत्तम प्रकार की संध्या है, सूर्यास्त हो चुके हूं तथा उनकी रक्तिम लालिमा शेष हो उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम प्रकार की होती है। भैया लक्ष्मण, आकाश मंडल में तारे टिमटिमाने लगे हो उस समय की जाने वाली संध्या अधम प्रकार की होती है। भैया लक्ष्मण, देखो भैया लक्ष्मण, संध्या की पावन वेला है, आओ दोनों भैया संध्या वंदन करें। आओ भैया, आज संध्या की पावन वेला है, दोनों भैया संध्या वंदन करें। पुष्प कलियों को चुने हम समय सलो पुष्प कलियों को चुने हम समय सलो पुष्प कली दो पुष्प कली दो पुष्प कली दो को चुने समय सलो समय सलोना है पुष्प कलियों को चुने
कृपा के बिना मैं रह नहीं सकता। मां तेरी कृपा के बिना मैं रह नहीं सकता। Yeah.
भैया श्री गुरुदेव जी के आदेश अनुसार दोनों भाई संध्या के लिए आए हैं और संध्या के लिए बताया गया है जिस तरह जीवन को जीने के लिए अन्न जल अवस्था की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार हम दोनों भाई संध्या वंदन के लिए आए हैं और दोनों भाई मिलकर संध्या वंदन करें। आवो भैया और इसी सुंदर संध्या बंदन में आप हैं श्री राकेश मुखिया जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से युगल सरकारों के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद।